नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू शर्मा है और मेरी कंपनी है अमेरिकन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ASPD। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कि आप किस तरह से पहचानें कि फ्रॉड एजेंसी या फ्रॉड प्रोग्राम्स क्या होते हैं। देखिए, एक तो होती है फ्रॉड एजेंसीज। अगर आप इंटरनेशनल कहीं पे भी जाना चाहते हैं, किसी भी इंटर्नशिप पे या जॉब पे, तो आपको कहीं ना कहीं किसी एजेंसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और कुछ होती हैं जो फ्रॉड एजेंसीज जो होती हैं, वो उनका तो एक ही मोटिव होता है कि किसी तरह से आपका पैसा लेना और पैसे लेके भाग जाना। और कुछ ऐसे होते हैं जो एजेंसी तो एग्जिस्ट करती है, वो कुछ काम भी अच्छा करती हैं, पर उनके प्रोग्राम्स काफ़ी सारे फेक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एजेंसी है जो एक दो काम अच्छा करे पर साथ में उसके 10 प्रोग्राम्स फेक चल रहे हों, तो ये होता कैसे है? मैं बताते हैं आपको। इनका जो मेन मोटिव होता है वो मोटिव ये होता है कि किसी भी तरह से वो आपको जो है रजिस्टर करवा लें, आप जो है उनको पैसे दे दें, और एक बार जब आप पैसे दे दिए तो आप तो फंस गए। अब आपको वो किसी भी तरह से मैनिपुलेट करेंगे, आपको कन्विंस करेंगे कुछ समय बाद कि आप किसी और कंट्री में चले जाएं, और अगर आप वो नहीं मानते हैं तो फिर आपके पैसे डूबते हैं। अगर पूरा नहीं डूबेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर डूबेंगे, और ये उनका मोटिव ही होता है। तो इस तरह के एजेंसीज से आपको बच के रहना ज़रूरी है कि जो ये फेक प्रोग्राम्स चलाएं। तो पहचाने कैसे कि ये फेक प्रोग्राम्स हैं? आपको बताते हैं कि जो प्रोग्राम्स आपको लगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो उस पर आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एजेंसी जाकर अगर किसी थर्ड ईयर के बच्चे को जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है उसको अगर ये बोले या फ्रेशर्स को बोले कि आपको हम न्यूजीलैंड वर्क परमिट पे भेज देंगे, आपको हम कैनेडा वर्क परमिट पे भेज देंगे, या UK बोलिए या ऑस्ट्रेलिया बोलिए कि हम वर्क परमिट पे भेज देंगे, तो आप मान के चलिए कि ये फेक है। क्योंकि किसी भी कंट्री जो वर्क परमिट पे आपको अलाउ कर रही है, कुछ जो होते हैं कुछ तो पैरामीटर्स होती हैं। इस तरह से नहीं है कि कोई भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपको इन सब कंट्रीज़ में वर्क परमिट पे अप्लाई करना है तो इनके लिए आपके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। क्योंकि जनरली जब बाहर से ये कैंडिडेट लेते हैं तो इनका मतलब यही है कि उनके कंट्री में वो काम करने के लिए कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं, तब वो बाहर से रिक्रूट करते हैं। पर एक फ्रेशर जो अभी पढ़ रहा है या अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, उनके पास उतना एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है कि वो वर्क परमिट पे जा पाएं। तो इसका मतलब अगर कोई भी एजेंसी अगर आपको आकर ये बोलता है कि हम भेज देंगे आपको, तो इसका मतलब ये है कि ये सरासर झूठ है। उनका मोटिव ही है कि किसी भी तरह से आप उनके पास जो है अप्लाई कर ले और आप फंस जाएं। अगर आप उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सा कंट्री अवेलेबल है, उनके पास दुनिया की हर कंट्री अवेलेबल होगी। इनफैक्ट वो पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट दे देंगे आपको। वो अंटार्कटिका में आपको इंटर्नशिप और जॉब के लिए भेज देंगे और बोलेंगे जाके पेंगुइन के साथ आप काम कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हैं। इनको किसी भी तरह से कैंडिडेट चाहिए, रजिस्टर करा लेना है और बाद में इनको जो है इधर उधर करके भेजना है। तो आप पहचाने कैसे कि कौन सी एजेंसी जेन्युइन है और कौन सी फेक है? देखिए, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसको ठीक से अगर आप देखें तो जो जेन्युइन एजेंसीज होंगी उनके फीस जो होंगे वो हमेशा ही थोड़ा कम होता है जनरल जो बाकी एजेंसीज से, उनके फी जो होते हैं थोड़ा कम होते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर वो काम नहीं कर पाते हैं, देखिए इंटरनेशनल प्रोसेस में ऐसी बहुत बार होता है कि हम काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं जाके काम फंस जाता है, तो इन दैट सिचुएशन हम जो है फुल रिफंड करते हैं। फुल रिफंड का मतलब ये है कि अगर आपसे 2,05,000 रुपये लिया गया है तो आपको 2,05,000 रुपये ही वापस दिया जाए। 5 रुपये भी डिडक्ट करना मेरे ख्याल से अनएथिकल है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। आप इस तरह से कोई भी अगर आपका काम ना कर पाए तो एक तो समय बर्बाद हुआ, ऊपर से पैसा भी बर्बाद हो, ये जायज़ नहीं है। तो जो एजेंसी आपको फुल रिफंड कर रही है, आपको मैनिपुलेट नहीं कर रही है कि आप किसी और कंट्री में जाएं, तो आप समझ के रखिए कि बहुत हद तक वो जो एजेंसी है वो जेन्युइन है। और हाँ, हालांकि अगर आप खुद से चाहते हैं कि नहीं हम दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं, तो
वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, पर चॉइस जो है फोर्स्ड नहीं होनी चाहिए, ये आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो मेरे पैसे कट जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे आपको जो है अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो आके बोलेंगी कि 150 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है, 300 वैकेंसीज़ है, पर उनकी अगर आप टेस्टिमोनियल्स देखें तो गिने चुने 2-3 टेस्टिमोनियल्स दिखेंगे, वो भी 2-3 कंट्री के। और आपको जब मैं बताऊं कि आप किसी भी कंट्री की टेस्टिमोनियल्स देखिए, तो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम की टेस्टिमोनियल्स देखिए। अब ऐसा ना हो कि मॉरिशियस का 4-5 आप टेस्टिमोनियल्स देख के किसी भी कंट्री के पास, आप किसी भी एजेंसी के पास आप जाके न्यूजीलैंड अप्लाई कर लें, नहीं, उनकी न्यूजीलैंड की टेस्टिमोनियल देखे कि वो न्यूजीलैंड में भेजा है कि नहीं उन्होंने। और चलिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट ट्राई भी करते हैं कि पहली बार किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पर फ्रेशर्स को ये पॉसिबल नहीं है। पहली बार ट्राई भी होता है तो वो एक्सपीरियंस्ड जिनके पास है, जो पैरामीटर्स में मैच करते हैं, उनको भेजा जाता है। तो और ट्राई जो होता है वो 1-2 के साथ होता है, 150-200 के साथ ट्रायल नहीं होता, ये जो समझदार है वो समझ जाएंगे। और 150-200 के साथ ट्रायल का मतलब ही है कि उनका पर्पस ही है कि किसी तरह से आपके जो पैसे हैं वो उनके जेब में चले जाएं। तो आप जो है इस पे सतर्क रहें। इंडिया में ऐसा है कि बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो डायरेक्ट कनेक्शन में हैं फॉरेन पार्टनर्स के साथ, और बहुत सारे सब एजेंट्स भी हैं। सब एजेंट्स का मतलब ये है कि वो जो डायरेक्ट एजेंसीज़ हैं उनके साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि देखो भाई, हम आपको बच्चे देंगे, अब बच्चों पे जो है कमीशन हम बच्चों से एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो जो ऐसे डायरेक्ट एजेंसीज है उनको तो बना बनाया बिजनेस मिल जा रहा कि हाँ कोई आकर हमें स्टूडेंट दे दे रहा, लेकिन इसमें गलती कहाँ पे हो जाती है बताते हैं। अगर आप अगर उस एजेंसी के पास डायरेक्ट जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो फ़ी हो, अगर मैं एग्जांपल लूँ यूएस जाने की, तो आपको 2.5 लाख देना पड़े, पर अगर आप सब एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको 4.5-5 लाख तक देना पड़ेगा, क्योंकि वो एजेंट जो है उस मेन एजेंसी से ज़्यादा पैसे कमाती है। तो आपको जो है इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप अगर डायरेक्ट एजेंसीज के पास पहुँचे तो एक तो आपका काम जेन्युइन होगा, प्लस आपके पैसे भी कम लगेंगे। और इस तरह की जो एजेंसीज है, जो जिनके पास दुनिया भर के प्रोग्राम्स हैं, आप अगर आपके पास आते हैं तो आप क्वेश्चंस ज़रूर उठाएं, उनके टेस्टिमोनियल्स चेक करें, जो जेन्युइन रिव्यूज़ है आप पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाए। और आप देखिए कि जो रिव्यू दे रहा है वो किस कंट्री के लिए रिव्यू दे रहा है। ऐसा ना हो जैसे मैंने कहा कि मॉरिशियस का 4-5 आप रिव्यू देख लिया और आपने न्यूजीलैंड अप्लाई कर लिया, क्योंकि ये जो न्यूजीलैंड का प्रोग्राम है वो फेक प्रोग्राम है, क्योंकि उनको जो है अपने पास बच्चे को रजिस्टर कराना है। तो इन सब चीज़ों पे जो है आपको अच्छे से ध्यान देना है। और जो फेक एजेंसीज है, आप जब कुछ दिन उनसे बात करेंगे, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एजेंसी फेक है या जेन्युइन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैंने जो भी इसमें शेयर किया वो कुछ इन्फॉर्मेटिव हो। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर इतना कीजिए कि ये उन एजेंसीज के पास भी पहुँचे। एक्चुअली देखिए, बात यह है ना कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में अच्छे एजेंसीज की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे होटेलियर्स हैं जिनको केटर करना कुछ एजेंसीज का बस का बात नहीं है, तो हमें और एजेंसीज की ज़रूरत है। पर जेन्युइन, ऐसा ना हो कि कोई भी आए और फेक प्रोग्राम्स चलाए और पैसे लूट के चला जाए। जो एजेंसी आज मार्केट में 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, कुछ इस तरह के जो हैं फाउंडर्स अगर आए और ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें तो ये बहुत बेहतरीन एक मार्केट है। और मैं इन्वाइट करता हूँ कि ऐसे अभी जो भी यंगस्टर्स हैं जिनको इस तरह का बिज़नेस पसंद है इंटरनेशनल का, तो वो ज़रूर इस बिज़नेस में आए। और क्योंकि अच्छे लोगों की ज़रूरत है ऑफकोर्स हमें इस बिज़नेस में। और आप लोग जो है, जैसे मैंने कहा, आप शेयर कीजिए, और शेयर इतना कीजिए कि ये जो फेक प्रोग्राम्स चला रहे हैं इनके तक भी पहुँचे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलना होगा आपसे। थैंक यू सो मच।